ये सारे देश को एक नहीं रख सकता। इसी कारण से कश्मीर की समस्या पैदा हुई। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो सभी राज्यों को अधिकार दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से चुन ले कि उन्होंने कहां जाना है और विलय पत्र पर साइन करते हैं। कश्मीर के महाराजा ने भी उसी विलय पत्र पर साइन किया जिस पर देश के दूसरे राज्यों ने किया। लेकिन कांग्रेस की और जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग होते हुए भी इतने सालों तक अलग रहा। उसका अलग संविधान था, अलग विधान था, अलग झंडा था। ये कांग्रेस की बदौलत ही था। ये धारा 370 जो लगी थी ये कांग्रेस ने ही लगाई थी और हमारी सरकार ने, जब हमारी फौजें इसको कब्जा कर रही थी और लगभग कब्जा कर ही लेने वाली थी, बिना किसी कारण में यूएनओ में जाके सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, जिस वजह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो आज भी अलग है। इन्होंने धर्म के आधार पर हिंदुस्तान के टुकड़े कराए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया, लाखों लोग मरे, लाखों लोग इधर से उधर गए। किसने करा ये? कांग्रेस ने करा। कांग्रेस ने 1984 में सिखों के दंगे कराए। ये तो तोड़ना चाहते हैं, ये देश को एक होने नहीं देना चाहते हैं। और अब ये चाहते हैं कि भिन्न भिन्न जातियां आपस में लड़ मर पड़े। इनको आनंद आता है जब दूसरों की बर्बादी होती है। वो तो देखिए, अब उसको तो क्योंकि लीगल मैटर है तो उसको देखना पड़ेगा। उसके लिए आदरणीय उच्चतम न्यायालय की कुछ जजमेंट्स भी हैं, मुझे वो देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं इस पर कुछ बोल सकूंगा।